हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पावर एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे। इससे पहले जितने भी टूल मैं मेरी वीडियो में यूज करती हूँ उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये पावर एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 पावर सॉकेट ले रहे हैं जो कि 16 एम्पियर की है, और एक डीपी स्विच ले रहे हैं जो कि 32 एम्पियर का है। ये पावर एक्सटेंशन बोर्ड हमारे बड़ी मोटर, गीजर, हीटर, इंडक्शन और एसी चलाने में काम आएगा। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो वायरिंग को हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि आपको कनेक्शन सीखने में, समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 16 16 एम्पियर के सॉकेट लिए हैं, और बोर्ड में भी मैंने 3 16 16 एम्पियर के 3 सॉकेट ले लिए हैं। आप देख सकते हैं इसे पीछे की साइड से, और ये है 32 एम्पियर का डीपी स्विच। यहाँ पर मैंने ये डीपी स्विच ड्रॉ कर लिया है और साथ में इसके इंडिकेटर भी लगा हुआ है। अब हम इनके टर्मिनल्स को समझ लेते हैं। तो ये है हमारा एल यानी कि फेज वाला टर्मिनल, ये हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, और ये हमारा बॉडी अर्थिंग वाला टर्मिनल है। तो इस पावर एक्सटेंशन बोर्ड की हम साथ में अर्थिंग वायरिंग भी करेंगे। तो चलिए अब हम वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। तो फेज वायरिंग के लिए हम रेड कलर का वायर लेंगे, और इस पावर एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हम 4 स्क्वायर mm का वायर लेंगे क्योंकि हमारे जो सॉकेट्स हैं उनका लोड ज्यादा है। तो सबसे पहले हम फेज वायरिंग करेंगे डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर, यानी कि जो हमारा फेज वायर है वो हमारे डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर चला जाएगा। ये हो गया हमारा इनपुट में फेज वायर। अब हमारे डीपी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से आउटपुट में फेज वायर निकल जाएगा और सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये फेज वायर सॉकेट्स के एल वाले टर्मिनल यानी कि फेज वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम साथ में ही हमारे इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिकेटर में 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, एक फेज के लिए है और एक न्यूट्रल के लिए है। तो यहाँ पर हमें इसमें से एक वायर को लेना है, यानी कि इसकी हम फेज वायरिंग कर रहे हैं। तो इंडिकेटर की फेज वायरिंग करने के लिए जो हमारे डीपी स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगी हमारे इंडिकेटर की फेज वायरिंग। तो अब हम कर लेते हैं इस बोर्ड की न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर का वायर लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे डीपी स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पर, जो डीपी स्विच का हमारा ये दूसरा वाला टर्मिनल है नीचे वाला, इस पर हम ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल वायर इनपुट में, और आउटपुट में यहां से निकलेगा हमारा न्यूट्रल वायर और सीधा हमारा कनेक्ट हो जाएगा सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर, यानी सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। ऐसे ही हम आगे जो हमारे 2 सॉकेट्स हैं इनकी भी न्यूट्रल वायरिंग कर लेंगे। तो इतनी न्यूट्रल वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमारी इंडिकेटर की न्यूट्रल वायरिंग बचती है। आपने देखा होगा कि जब भी घर में हमारे पावर आती है तब इंडिकेटर हमेशा ग्लो करता रहता है, तो उसमें हम फेज और न्यूट्रल दोनों ही वायरिंग करते हैं इसीलिए वो हमेशा ग्लो करता रहता है। तो इंडिकेटर की फेज वायरिंग हमने यहां से कर दी थी, अब न्यूट्रल वायरिंग हम यहां से कर देंगे। तो फेज और न्यूट्रल वायरिंग दोनों हमारे इंडिकेटर की हो गई है। अब हम कर लेते हैं अर्थिंग वायरिंग। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए हम लेंगे ये ग्रीन कलर का वायर, और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर, और आगे भी हम इन टर्मिनल्स पर भी ये वायर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गई हमारे बोर्ड की अर्थिंग वायरिंग। तो इस तरीके से हमारे बोर्ड की फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायरिंग कंप्लीट होती है। तो डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में हमने की थी सबसे पहले फेज वायरिंग, तो इस बोर्ड की भी हम फेज वायरिंग कर लेते हैं। तो फेज वायरिंग के लिए हम लेंगे 4 स्क्वायर mm का वायर, और इसे हम कनेक्ट करेंगे
डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। एक टर्मिनल पर आपको ये कनेक्ट करना है, चाहे तो आप इस पे भी कर सकते हैं या फिर इस पे कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इनपुट में फेज वायर, और जो हमारा आउटपुट में फेज वायर होगा वो यहां से निकलेगा और सीधा कनेक्ट हो जाएगा हमारे सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर, इस तरीके से। तो यहां पर मैंने फेज वायर कनेक्ट कर दिया है। आगे जो हमारे दोनों सॉकेट के दो ये फेज वाले टर्मिनल बचते हैं, इन्हें भी हम फेज वायर से कॉमन बना लेंगे। तो इतनी फेज वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमारी फेज वायरिंग इंडिकेटर की रह गई है। तो इंडिकेटर में ये दो वायर आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से एक वायर को आपको उठाना है और फेज वाले टर्मिनल पर, यानी कि यहां पर जो हमारा फेज वायर कनेक्ट हो रखा है, यहां पर इस वायर को आप कनेक्ट कर देंगे। फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब हम कर लेते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए आपको ये ब्लैक कलर का वायर लेना है। और इसे आप कनेक्ट करेंगे डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट में न्यूट्रल वायर, और आउटपुट में न्यूट्रल वायर हमारा यहां से निकलेगा और सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर, यानी न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां तक न्यूट्रल वायरिंग मैंने कर ली है। आगे भी हम न्यूट्रल वाले पॉइंट्स पर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो इतनी न्यूट्रल वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी इंडिकेटर की न्यूट्रल वायरिंग रह गई है। तो जो हमारा डीपी स्विच का ये वाला पॉइंट है, ये वाला टर्मिनल है, इस पे हम ये न्यूट्रल वायरिंग के लिए कनेक्ट कर देंगे। तो फेज और न्यूट्रल वायरिंग हमारी हो गई है। अब हम कर लेते हैं अर्थिंग वायरिंग। तो अर्थिंग वायरिंग के लिए हम लेंगे ये ग्रीन कलर का वायर, और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट पर, यानी कि तीनों अर्थिंग वाले पॉइंट्स को हम अर्थिंग वायर से कॉमन बना लेंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम तीनों वायर्स को मेन सप्लाई में लगा देंगे। तो पीछे से पावर को मैंने ऑन कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में पावर आ गई है। अब आप सॉकेट को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप आसानी से घर पे ही ये वायरिंग करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।